हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी करने को लेकर सीबीएसई से एफिलिएटेड सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूट हेड के लिए नोटिस जारी कर नए शेड्यूल की जानकारी दी है। सीबीएसई की ओर से मार्क्स अपलोड करने के लिए पोर्टल उपलब्ध रहने की तारीख 20 मई 2021 है। इस तारीख में कोई बदलाव नहीं है। सीबीएसई को इंटरनल असेसमेंट मार्क्स सबमिट करने की तारीख 30 जून 2021 है। ये मार्क्स 20 में से दिए जाएंगे। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 80 अंक साल के अंत में बोर्ड परीक्षा के लिए आवंटित किए जाएंगे। अब तक अधिकांश स्कूलों ने आंतरिक मूल्यांकन किया है और अधिकांश स्कूलों ने पहले ही सीबीएसई पोर्टल पर अपना डेटा अपलोड कर दिया है। स्कूल आधारित मूल्यांकन और वेटेज के लिए जिन परीक्षाओं का उपयोग किया जाएगा उनमें पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट 10 अंक के, अर्धवार्षिक या मध्यावधि परीक्षा 30 अंक और प्री बोर्ड परीक्षा 40 अंक के शामिल हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचितापूर्ण बनाने के लिए स्कूलों से एक रिजल्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कुल 7 सदस्य होंगे। 7 सदस्यों में गणित, सोशल साइंस, साइंस और 2 भाषाओं के शिक्षक शामिल होंगे। इसके अलावा पड़ोसी स्कूल के भी 2 शिक्षक होंगे जो बाहरी सदस्य के रूप में होंगे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।